गुलाब दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक है, जिसे ज्यादातर लोग प्यार का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं धरती पर गुलाब के फूल 33 करोड़ साल पहले से मौजूद है? नहीं ना? आइए जानते हैं गुलाब के बारे में 25 रोचक तथ्य और जानकारी। 1. दुनिया का सबसे पुराना जीवित गुलाब 1000 साल पुराना माना जाता है। ये जर्मनी में एक गिरजाघर कैथेड्रल ऑफ हिल्डेसहेम की दीवार पर बढ़ता है और कहा जाता है कि यह यहाँ पर 815 ईस्वी से मौजूद है। 2. इस 1000 साल पुराने गुलाब के बारे में एक बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सन 1945 में जर्मनी के इस गिरजाघर को बम बरसाकर नष्ट कर दिया गया था और इसकी चपेट में ये पौधा भी आ गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ये पौधा फिर से उगाया क्योंकि इसकी कुछ जड़ें जिंदा थीं। 3. पूरी दुनिया में गुलाब की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। 4. प्राकृतिक रूप से काले रंग को छोड़कर गुलाब लगभग हर रंग के पाए जाते हैं। 5. पहले नीला गुलाब नहीं पाया जाता था, लेकिन 2009 में कई सारे प्रयोगों के बाद नीले रंग के गुलाब का उत्पादन कर लिया गया है। 6. चंडीगढ़ में स्थित जाकिर हुसैन रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान है। लगभग 30 एकड़ भूमि में बने इस उद्यान में गुलाब की 1600 प्रजातियों के साथ लगभग 50,000 गुलाब के पौधे हैं। 7. लगभग 5,000 साल पहले एशिया में गुलाब की खेती की शुरुआत हुई थी। 8. गुलाब सबसे पुराने पौधों में से हैं। गुलाब के अब तक के सबसे पुराने जीवाश्म कोलोराडो में पाए गए हैं, जो कि 33 करोड़ 5 लाख वर्ष पुराने हैं। 9. दुनिया का सबसे ऊंचा गुलाब का पौधा महाराष्ट्र के गुरुनाथ ठाकुर नाम के व्यक्ति ने उगाया था, जिसकी ऊंचाई 21 फीट और 4 इंच थी। 10. जाम्बिया में 80% से अधिक भूमि पर गुलाब की खेती की जाती है। जाम्बिया के सभी फूलों के निर्यात का 95% गुलाब ही होते हैं। 11. दुनिया का सबसे छोटा गुलाब मध्य प्रदेश इंदौर के सुधीर खेतावत नाम के व्यक्ति का दावा है कि उसने सबसे छोटे गुलाब का उत्पादन किया है। इस फूल का व्यास केवल 1 सेंटीमीटर 1/3 से कम था। 12. क्या आप जानते हैं? सेब, चेरी, खुबानी, आड़ू, प्लम, नाशपाती और बादाम गुलाब से ही जुड़ी प्रजातियां हैं। 13. सैकड़ों वर्षों से गुलाब को प्यार और सहानुभूति के प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है। 14. कहा जाता है कि 11 अक्टूबर 1492 में कोलंबस के चालक दल ने समुद्र से गुलाब की एक शाखा निकाली, जो एक संकेत था कि पानी के नीचे जमीन मौजूद है। अगले ही दिन कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी। 15. सभी गुलाब उगाने वाले देश ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पानी काफी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि गुलाब के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। 16. एक गुलाब के फूल को खिलने के लिए लगभग 13 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 17. रंगों के अनुसार गुलाब के अलग अलग मतलब होते हैं, जैसे लाल प्यार, गुलाबी प्रशंसा और अनुग्रह, पीला खुशी और आनंद, सफेद शुद्धता और शांति, नारंगी ऊर्जा और उत्साह। 18. गुलाब की गंध पर कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए नासा द्वारा 2002 में एक गुलाब ओवरनाइट सेंसेशन को अंतरिक्ष में ले जाया गया। 19. ऐतिहासिक रूप से गुलाब का रोम और मिस्र के लोगों के लिए बहुत महत्व था। रोमन उन्हें कमरे की सजावट के रूप में उपयोग करते थे, इसके अलावा अपनी गर्दन के चारों ओर माला के रूप में भी पहनते थे। 20. इत्र बनाने में गुलाब के तेल का उपयोग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 1 ग्राम तेल के लिए 2000 फूलों की जरूरत पड़ती है। 21. गुलाब के पौधे में फल भी लगते हैं। गुलाब को खाया भी जा सकता है। 22. गुलाब के फल में अन्य फलों की तुलना में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 23. हिंदी सिनेमा में गानों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला फूल गुलाब है। 24.
हर साल वैलेंटाइन वीक में 7 फरवरी को रोज डे मनाया जाता है। 25. गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद बनाया जाता है जो कि खाने में मीठा और स्वादिष्ट होता है और यह सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है।